और यहाँ की गर्दी इज द रीजन वाई हम लोगों ने सीरीज का नाम रखा मुंबई की गर्दी। इतना गर्दी, इतना गर्दी है मुंबई में। मुंबई में आके कुछ कुछ चीजें हैं जो करनी ही करनी है। फ्रैंकी खाना है, वड़ा पाव खाना है, पाव भाजी खानी है, सैंडविच खाना है, छोटी छोटी कॉलेजें, नारसी मुंजी, बियर्स, मिट्टी भाई। Hi guys, then with this side from Veggie Bhaji और मेरे पास है मुंबई का आइकॉनिक वड़ा पाव। अभी मैं हूँ विले पाले एरिया में, कॉलेज का अड्डा है यहाँ पे, नारसी मुंजे कॉलेज है, मितिबाई कॉलेज है। ये एरिया का स्ट्रीट फूड दिखाने में बड़ा मजा आएगा। ये है द आइकॉनिक आनंद का वड़ा पाव। हम लोगों ने लिए शेजवान चीज ग्रिल वड़ा पाव, जिसके अंदर बटाटा डाला है, शेजवान डाला है, चीज ग्रेट करके डाला हुआ है और ऊपर से और बटर लगा रखा है, साथ में चटनी सर्व्ड है। इसको टेस्ट करते हैं। वीडियो में और बहुत सारी चीज़ें होगी, फ्रैंकी खाएंगे, डाबेली खाएंगे, इस एरिया के आसपास का कॉलेज स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करेंगे और फिर कुछ अच्छे चीज़ से एंड करेंगे एकदम बढ़िया, जैसे वीडियो में हर बार रहता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, वेजी भाजी को फॉलो कर देना और मैं अटैक करता हूँ अपने वड़ा पाव पे। उससे पहले आप दो चार जरा शॉट्स एंजॉय करो गर्दी के, गर्दी माने भीड़ इन मराठी, और खाने के। यार वैसे तो मैं दिल्ली वाला हूँ, बट मुंबई के वड़ा पाव के साथ ना मेरा अलग ही रिश्ता है। ये वाला जो वड़ा पाव है पूरे मुंबई में अपने बटर से फेमस है। मतलब ये बटर वड़ा पाव आनंद वड़ा पाव का, विले पार्ले का, इस मुंबई के टॉप 10 वड़ा पाव की हर लिस्ट में तो होना ही है इसको। आइकॉनिक मुंबई के हर वड़ा पाव का टेस्ट अलग है। ये वाला देखोगे पास में आके आनंद वाला, ये बहुत ही बैलेंस्ड वड़ा पाव है। अगर प्लेन लोगे ना तो ये बहुत ही आपको ऐसा लगेगा जैसे ब्लैंड सा लगेगा, अगर आप स्पाइसी चटपटा खाना खाते हो मेरी तरह तो। और ये वन ऑफ द ओनली प्लेसेस है जहाँ का ग्रिल्ड वड़ा पाव मुझे बहुत पसंद है। ये वड़ा पाव को सैंडविच ग्रिलर में डाल के आपको देते हैं, अगर आपको वैसा वाला ऑप्शन चाहिए तो। फिलहाल ये टेस्ट तो मुझे बहुत पसंद आया, स्पाइसी है, शेजवान डाला हुआ है। अब चलते हैं स्पाइसीनेस को और आगे बढ़ाते हैं, फ्रैंकी खाते हैं और फिर उसको टोन डाउन करेंगे डाबिली, और बहुत सारी चीज़ें रहेगी। मैं खुद एक्सप्लोर करता हूँ ना, आपसे मिलता हूँ अगले पार्ट में। आप थोड़ी गर्दी एंजॉय करो और मैं चलता हूँ अगली जगह पे। इधर इनसे बात कर रहा था तो बता रहे थे कि ये वैसे तो फ्रैंकी का काट है, श्री कृष्णा फ्रैंकी, बट यहाँ पे मंचूरियन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो हर बंदे को मंचूरियन बनाना आता है कि कभी छुट्टी हो या कुछ हो तो कोई ना कोई मंचूरियन तो बना ही रहे। नूडल मंचूरियन हो जाएगा क्या? नूडल मंचूरियन कर दो, नूडल मंचूरियन रोल और भेल जो है मंचूरियन भेल कर लेंगे। वैसे क्या सबसे ज़्यादा खाते हैं लोग? मंचूरियन फ्रैंकी ज़्यादा खाते हैं। मैं देख रहा हूँ चाइनीज़ का सेटअप ज़्यादा है आपका, चाइनीज़ ज़्यादा खाते हैं ना। क्या नाम से है? श्री कृष्णा स्पेशल फ्रैंकी, जो अपना इधर दिल्ली साइड रोल होता है, काठी रोल, रोल फ्रैंकी सब एक ही होता है ना, जैसे पानी पूरी गोलगप्पा वैसे बात होगी ना। ये कितना, दो रोल का है? एक ही का है, एक में जितना आ जाए, एक में जितना आ जाए, गिनते नहीं हो। ये पहले ना मेरा एक्चुअली मैं डिसाइड कर रहा था क्या लूँ क्या लूँ, फिर मैंने अब डिसाइड करा कि ये नूडल वाला मंचूरियन फ्रैंकी लेता हूँ। मुंबई में आके कुछ कुछ चीज़ें हैं जो करनी ही करनी है। फ्रैंकी खाना है, वड़ा पाव खाना है, पाव भाजी खानी है, सैंडविच खाना है, डाबेली खानी है, वो सारी चीज़ें हम लोग हर साल मुंबई में करते ही करते हैं। ये मितिबाई कॉलेज के पास है श्री कृष्णा स्पेशल फ्रैंकी। अभी ये नूडल वाला मंचूरियन बना रहे हैं और इसी के साथ डाबेली खानी है। वो कहावत पढ़ी है ना आपने, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। अब क्या होता है कि धूप बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो ये ब्लू कलर का ना तरपाल सा डाल लेते हैं। अब भैया को हमने बोला भी, भैया कहते नहीं हटा नहीं पाएंगे। अब वो ब्लू कलर जो आ रहा है ना वीडियो में तो फील नहीं आ रही, बट आप विले पार्ले के कॉलेज के बच्चों से पूछेंगे वो आपको बताएंगे इस जगह का खाना जो वीडियो में इतना अपीलिंग लग नहीं रहा, जेन्युइन में जाके खाओगे आपको मज़ा आएगा खा के।
ये मैंने अपना लगवाया फ्रेंकी मंचूरियन नूडल और चीज़, तीन चीज़ें इसके अंदर डलवाई है। अनगिनत ऑप्शन है डलवाने के लिए, कस्टमाइज़ करवाने के लिए। मेरा मंचूरियन खाने का मन था, सो वाई नॉट। मम्मी कॉलेज के बच्चों के हिसाब से है, चटपटी चीज़, चीज़ स्पाइसी और मंचूरियन के पकौड़े जैसे इन्होंने बोला। सही है, मैं इनका ना चाइनीज़ बेल खाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। चाइनीज़ भेल क्या नामक चीज़ है। अब ये मंचूरियन जो ये बनाते हैं उसी के अंदर जो नूडल होते हैं ना, नूडल वो रतलामी सेव का मोटा वाला जो वर्जन होता है ना, उसको एज नूडल का रिप्लेसमेंट यूज़ करके उसमें लेटस और शेजवान डाल डुल के मंचूरियन डाला और वो एक चटपटा सा चीज़ बना देते हैं। अब इसके अंदर नूडल नहीं डालते हैं तो उससे क्रिस्पी बनाता है, विच इज़ आई थिंक दिस इज़ अ मुंबई ओरिजिन थिंग ओनली। ये बढ़िया चीज़ है यार, ये चाइनीज़ भेल का कॉन्सेप्ट बड़ा सही है मुंबई में। क्या करते हैं, सेब होते हैं ना, उसको चटनीज़ के साथ, शेजवान चटनीज़ और बहुत सब चीज़ों के साथ डाल के आपको दे देते हैं। चाइनीज़ भेल प्लेन लो या उसमें मंचूरियन डाल लो, मस्त एक नंबर। फ्रैंकी से बढ़िया ये लगी मुझे, ऐसे एक पीस मंचूरियन का लेने का तो शेजवान शेजवान मार के चिली सॉस वगैरह डाल के। आसपास बहुत सारे कॉलेजेस हैं और नाम सुने ही होंगे आपने, छोटे छोटे कॉलेज हैं, नारसी मुंजी, हेवियर्स, मिट्टी भाई, छोटे मोटे कॉलेज। उन सब के बच्चों के लिए बढ़िया खाना केटर्ड है, आके अलग अलग टाइप का खाना खाओ। वाह वाह वाह। अभी हम लोग लेते हैं दाबेली और फिर आगे बढ़ेंगे वीडियो में, कुछ और खाएंगे। साथ वाले भैया से दाबेली लेनी है, एक चटपटा सा दाबेली बनाना थोड़ा। सिंगदाना है क्या? हाँ सिंगदाना में डाल दे। अच्छा नमकीन डालते हो आप दाबेली में? हाँ। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ दाबेली में नमकीन डालना। तो ये क्या लहसुन का चटनी है? हाँ। तो ये सिंगदाने की जगह नमकीन डालते हो या वो भी अलग से? अलग से, इसी में आता है। इसी में ही आता है? हाँ। आप लोग नमकीन डालते हो? हाँ। कच्छ भुज दाबेली। अच्छा दुकान का नाम ही कच्छ भुज दाबेली सेंटर है। एक एकदम करारी सी निकालना दाबेली, ठीक है? कितने की है? अमूल टोस्ट दाबेली, जैन दाबेली, कौन सी बढ़िया रहेगी? सादी देना, सादी देना, एक नॉर्मल प्लेन दाबेली देना। तो स्पाइसी के बाद ना चाइनीज़ भेल के बाद एक प्लेन दाबेली खा लो, खट्टी मीठी सी, तो बढ़िया सही कॉम्बो टाइप हो जाता है। एक भैया अच्छे से करारी सेक के देना। दो जी ये आ गई अपनी दाबेली। टेस्ट करते हैं। मुंबई में आओगे वड़ा पाव तो बहुत सुना होगा, बट दाबेली भी उतनी ही पॉपुलर है मुंबई में जितना वड़ा पाव है। माय वर्डिक्ट ऑफ दिस अड्डा इज, यहाँ पे आओ, मंचूरियन चाइनीज़ भेल खाओ श्री कृष्णा फ्रैंकी का, और साथ वाले भैया का दाबेली खा के ख़त्म करो। अब चलते हैं एक और जगह पे, आपको लेके चलते हैं, कुछ और बढ़िया खाना दिखाते हैं, विले पार्ले का। हम लोग जब ये शूट कर रहे थे ना तो हम लोगों को जाना था ये जगह पे जो बिल्कुल विले पार्ले स्टेशन के पास में ही थी। बहुत अच्छा डोसा दे रहे थे भैया, डोसा तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था पर मन से ना फीलिंग्स ही आ नहीं रही थी, और सुबह सुबह वो आनंद वाला वड़ा पाव खा लिया था तो आनंद के डोसे पे ही तब से मन ललचा रहा था, तो अब वही पहुंच गए खाने। गाइस वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया, स्टार्ट करा आनंद वड़ा पाव से, एंड भी आनंद वड़ा पाव से ही कर रहे हैं। बीच में हम लोग खाने गए फ्रैंकी और दाबेली, और फिर ना विले पार्ले वेस्ट स्टेशन के पास में एक डोसे वाले हैं जिन भैया के आपने पीछे शॉट्स देखे, वो भी काफ़ी अच्छा सामान देते हैं, और वहाँ के डोसे जो होते हैं ना प्लेन वगैरह होते हैं। फिर मेरे को एकदम से याद आया यहाँ पे पार्ले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रश था, तो हम लोग वापस यहीं पे आ गए। दिस इज़ पिज़्ज़ा डोसा, ये ऐसी सर्व होता है, इसके अंदर देखो
लोड्स ऑफ चीज, टमेटोज, स्प्रिंग अनियंस, बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं। यहाँ का जिन्नी डोसा भी बहुत फेमस है, जो ऐसे थोड़ा कोन्स कोन्स में आता है। टेस्ट एकदम पिज़्ज़ा का टेस्ट इन डोसा वाला फॉर्मेट। अब तो ये वाले टाइप के पिज़्ज़ा बहुत पॉपुलर हो गए हैं। बढ़िया आनंद डोसा विले पाले में इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेस जो ये ऐसे टाइप के फ्यूजन डोसा देते हैं। घड़ी में 1:48 हो रहे हैं, कॉलेज छूटने का टाइम है और यहाँ की गर्दी इज द रीज़न वाई हम लोगों ने इस सीरीज़ का नाम रखा है मुंबई की गर्दी। इतना गर्दी है मुंबई में, पर खाना भी एक नंबर मिलता है। ये डोसा आराम से दो लोग मिलके खाएं, इन्जॉय करेंगे। आपको दिखाया हमने विले पार्ले के कॉलेजों के आसपास का खाना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, भाजी भाजी को सब्सक्राइब करना। बढ़िया बढ़िया खाना आता है डेली अलग अलग जगहों का। अभी दिखा रहे हैं संडे स्पेशल पे मुंबई की गर्दी।